जयमंगल गाथा नंबर दो के कुछ पात्र हैं, उनको थोड़ा ध्यान से सुन लें क्योंकि कथा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी लंबी भी है। आलवी एक शहर है, उस आलवी शहर का जो राजा है वो आलवक है और उसका जो राजकुमार है उसका नाम आलवी है और उसको हत्तक आलवक भी बोलते हैं। हत्तक एक यक्ष है, यक्ष का नाम भी आलवक है, यानी जो राजा है आलवी शहर का उसका नाम भी आलवक है और कहीं दूर रहता है एक और राज्य है जहाँ एक सल्तनत है, एक पूरा कबीला है, वहाँ का जो यक्ष का राज है उसका नाम भी आलवक है, यानी दोनों ही आलवक हैं। आलवक यक्ष की स्त्रियाँ भी हैं। गंधर्व जो है वो यक्ष है, गंधर्व आलवक जो यक्ष है उसका द्वारपाल है। दो यक्ष और भी हैं, एक सातागिर है और एक हेमवत है, जो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। देवता गण या राजपुरुष भी हैं जो राजा आलवक के साथ हैं और भगवान जैतवन से लगभग 30 योजन की दूरी पर हैं। आलवक जो राजकुमार है उसकी माँ है और आलवक राजा की प्रजा है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा क्योंकि एक साथ ही आलवक आलवक बहुत ज़्यादा हो गया, मगर कथा स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आलवी शहर है, कहाँ है? सावित्री या श्रावस्ती और राजगीर के बीच में, बुद्ध कालीन में कौशल राज्य की राजधानी है श्रावस्ती। सावित्री और राजगीर के बीच में बुद्ध कालीन एक नगर है जिसका नाम है आलवी। आलवी शहर के अंदर एक राजा है जिसका नाम है आलवक। वो जो राजा है वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। जब वो शिकार खेलता है तो जाहिर सी बात है कि वो शिकार खेलते खेलते अपने राज्य से थोड़ा दूर आ जाता है और वो यक्षों के राज्य में पहुंच जाता है जहां यक्ष रहते हैं। वहां का जो यक्ष है उसका नाम भी आलवक है, तो आलवक को आलवक पकड़ लेता है, यानी आलवी के राजा आलवक को यक्ष राजा आलवक पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में उसको गुलाम बना लेता है। कहते हैं कि यक्ष मनुष्य को खाते हैं, हो सकता है किद्वंती है, मगर जिस तरह से यक्ष बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानवान माने जाते हैं, कहीं दूर दूर तक भी संभावना नहीं है कि वो मनुष्य को खाते होंगे और ऐसी कोई जिक्र ऐसा कहीं है भी नहीं, क्योंकि यक्ष बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यक्ष अपनी सल्तनत में किसी की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट थे। तो भारत में जितने भी आक्रंत आए वो यक्षों को गुलाम नहीं बना पाए, इसलिए उनके बारे में हो सकता है उड़ाया गया हो। यक्ष बहुत सुंदर, बहुत सुडोल, बहुत मजबूत, बड़े बुद्धि वाले और बहुत अच्छे होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। देवताओं का और यक्षों का टकराव बुद्धि के रूप में माना जाता है लगभग। तो यक्ष जो आलवक है उसने जो आलवी का राजा है उसको पकड़ने के बाद में कैद कर लिया। तो राजा ने कहा भाई हमको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा छोड़ देंगे, शर्त है, क्योंकि समझौता होगा, अब तो आपको पकड़ा है, युद्ध है एक तरह से, आप मेरे राज्य में आए हैं, क्या है, आपको एक व्यक्ति हमें रोज देना पड़ेगा। अब व्यक्ति जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली जो पुराने समय में व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मनुष्य काम करता है, काम कराने के लिए मशीन तो है नहीं, तो व्यक्ति अगर रोज़ एक मिलेगा तो एक काम करने वाला बंदा रोज़ मिलेगा, या एक गुलाम रोज़ मिलेगा, एक सर्वर रोज़ मिलेगा, एक सेवा करने वाला रोज़ मिलेगा। तो ये शर्त थी, तो राजा ने ये शर्त मान ली कि मैं एक व्यक्ति को रोज़ आपके पास में भेजूंगा। अब राजा किसको भेजे? तो सोचा भाई सबसे पहले ये जो मृत्युदंड वाले कैदी हैं इनको भेजो, इनका क्या करना है। तो जिन्होंने अपराध किया, जिनको मृत्युदंड मिलने वाला था या मिला, उनको भेजना शुरू किया। अब मृत्युदंड वाले लोगों को जब भेजना शुरू किया तो राज्य में क्राइम ही बंद हो गया। फिर भी राजा तो यक्षों के पास एक आदमी रोज भेज देता है पकड़ के, इसलिए क्राइम ही मत करो, तो क्राइम बंद हो गया। तो कभी आप किसको भेजें? तो बड़े आदमी को नहीं भेजा जाता था, क्योंकि बड़ा आदमी अच्छा अगर भेजेंगे तो उसका परिवार है, उसके घर में खेतीबाड़ी है, जमीन है, काम कौन करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये था कि भाई छोटे बच्चे को भेज दो, छोटे बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तब तक बच्चा ही बड़ा हो जाएगा और हमारा भी कोई आदमी बड़ा जाएगा नहीं। तो छोटे बच्चे भेजने लगे, तो छोटे बच्चे भेजने लगे, माताओं को तो बच्चे प्यारे होते हैं, तो माताओं ने अपने बच्चे जो आलवी शहर था उससे दूर भेजने शुरू कर दिए, और कहीं अपने नाना के पास, चाचा के पास, रिश्तेदार के पास, या भगा दिए जाओ। तो बच्चे ख़त्म हो गए। अब बच्चे ख़त्म होने लगे
तो एक बच्चा बचा। एक बच्चा कौन सा बचा? आलवी का जो राजा था आलवक, उसका राजकुमार आलवी। आलवी को अब भेजने का नंबर आ गया। जब आलवी को भेजने का नंबर आया तो उसकी जो माता थी वो पछाड़ खा के गिरने लगी। राजकुमार, राजा यानी जैसी भी सल्तनत रही होगी टूटी फटी, उसने लगे हाथों भगवान बुद्ध को खबर भिजवाई कि मेरे बच्चे को आप बचाओ। बच्चा वहां जा रहा है वो उसे गुलाम बना लेंगे, फिर तो देंगे नहीं। तो भगवान ने 30 योजन पैदल चल के और पहुंचे जैतवन से, श्रावस्ती और राजगीर के बीच में। बच्चे को उधर से वो लेके आ रहे हैं उसको सौंपने के लिए। तो गद्धर्व जो द्वारपाल है उसके पास जब भगवान बुद्ध जाते हैं तो वो पहचान जाता है ये तो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों आ गए? ये यक्ष तो आपको पता है कि ये बड़ा खूंखार है, किसी बात सुनता नहीं, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी में रहते हैं, अपने एक कन्फाइंड एरिया में रहते हैं, किसी कोई मतलब रखते नहीं और किसी की सुनते भी नहीं। ये उनका स्वभाव है जो यक्षों का स्वभाव बताया जाता है, अपने काम से काम है, बाकी सब बेकार है। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, बात करनी है, देखना है। तो बुद्ध चूंकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे तो वो अपने 2 शिष्यों को साथ ले गए। कौन से 2 शिष्यों को साथ ले गए? जो यक्ष थे। ये पॉलिसी होती है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको पहले से पता है, तो आप उसके 2-3 साथी जो आपको जान पहचान के उनसे बातचीत करके उनको साथ ले जाएं। ये आज भी होता है, कहीं समझौता कराने जाते हैं तो उसके 2-3 यार दोस्तों को ढूंढ ढांढ के ले जाते हैं। तो एक सातागीर और एक हेमवंत नाम के जो यक्ष थे, जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे और धर्म का पालन करते थे, उनको वो ले गए साथ में। तो थोड़ा मजबूत स्थिति हो गई। तो वहाँ जब पहुँचे तो यक्ष उस समय बाहर था, जो आलवक यक्ष था। दोनों नाम आलवक हैं, राजा का भी नाम आलवक है जो पकड़ा गया है, और यक्ष है उसका नाम भी आलवक है। तो आलवक यक्ष तो बाहर था। जब वो आया और द्वारपाल गद्धर्व ने कहा कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो बड़ा गुस्से में आया। मुझे क्या जरूरत है बात करने की? मैं किसी बात नहीं करता, होंगे होंगे बुद्ध, अपने आप होंगे, मैं नहीं मानता किसी को, जाओ कह दो यहाँ नहीं है। मगर बुद्ध तो बात करने आए हुए थे और वो पूरा गुस्से में, क्योंकि यक्षों की पहचान है कि यक्ष बुद्धिमान तो होते हैं मगर सौम्य नहीं होते, थोड़े अक्खड़ होते हैं, अक्खड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा रूखे भी होते हैं। तो उसने बात नहीं सुनी। तो बात नहीं सुनी तो दोनों जो यक्ष थे उन्होंने भगवान बुद्ध की महिमा गान किया। अरे भाई बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, बात करने में क्या जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, बात कर लो, बात करने में क्या क्या जाता है। तो यक्ष ने यक्षों की बात को मानना पड़ा, क्योंकि अब तो 3 अक्खड़ हो गए एक साथ, तो मानना पड़ेगा, 2 अक्खड़ भारी 1 अक्खड़ पे। तो बात करने के लिए तैयार हो गया। तो जब भगवान बुद्ध से वो बात करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी संभावना थी, जो भी कुछ था, उन्होंने रीड किया कि अरे ये जो यक्ष आलवक है इसमें तो सोतापन होने का गुण है, मतलब ये इस बात को समझ लेगा, इसकी समझ अच्छी है और ये धम्म को अच्छा पकड़ लेगा, जान लेगा। ये बात उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसकी बॉडी से, उसके हाव भाव से, उसकी बात करने से, उसके आसपास के वातावरण से ये बात पहचानी। तो लगा कि भाई थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तो ये सुधर जाएगा, इसका जीवन भी ठीक हो जाएगा। बस ऐसा करते 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 उन्होंने बात को आरम्भ किया। क्योंकि यक्ष रिद्धि में, सिद्धि में, तपोबल में, विश्वास में कोई बात नहीं करते, इसलिए उनको वो बात भी अच्छी नहीं लगती। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो रिद्धि सिद्धि में या तप में, साधना में, सील में, समाधि में यकीन ना करता हो, आप उससे बात करेंगे तो आपको अच्छा आंसर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे यक्ष से नहीं मिला। मगर जो यक्ष हैं वो थोड़ा दिल के अच्छे होते हैं। क्यों दिल के अच्छे होते हैं? क्योंकि वो अपने परिवार को पालते हैं, अपने पूरे समुदाय को पालते हैं, तो वो नरमी जानते हैं, करुणा है उनके अंदर, मैत्री है, मगर अपने लोगों के लिए हैं, अपने समुदाय के लिए हैं, बाहर वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो बुद्ध ने बहुत अच्छा, बड़ा मृदु, जो उनका मुदिता वाला, करुणा वाला जो व्यवहार था वो व्यवहार किया, और व्यवहार करने के बाद में उससे बातचीत हुई। बातचीत करते ही उसने सबसे पहले तो ये कहा, आप मेरे घर क्यों आए? तो उन्होंने कहा, भाई आपसे बात करने के लिए आए, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, इंसर्ट कर रहा है बुद्ध की, ताकि बुद्ध चले जाए। पर बुद्ध तो बुद्ध ठहरे, सब प्रहार बेकार गए। जब वो थक गया तो उस बोला, आलवक यक्ष बोला, चल निकल मेरे घर से बाहर।
वो उसका आखिरी हथियार था। अगर किसी आदमी को आप उसकी बात ना सुनना चाहें, फिर भी कोई बात करना चाहे, तो आप उसकी सीधी सीधी इंसल्ट कर दें, मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरे घर से बाहर निकल जा। थोड़ा भी अगर ये इज्जत वाला आदमी होगा निकल जाएगा, मगर बुद्ध तो बुद्ध ठहरे, वो तो सब जानते हैं। तो वो बाहर निकल गए, बाहर निकले, थोड़ी देर बाद फिर आगे मुस्कुराते हुए, अरे फिर आगे निकलो मेरे घर से बाहर, फिर निकल गए मुस्कुराते हुए, फिर आगे। तीन बार ऐसा हुआ। चौथी बार जब बुद्ध आए तो उन्होंने बड़े प्यार से, करुणा से, आंखों में स्नेह भरते हुए कठोर शब्दों में कहा, अब बाहर नहीं जाऊंगा, जो चाहे वो कर लो, अब नहीं जाऊंगा, करुणा है आंखों में, करुणा है, मुदिता है। यह देख के जो यह कालवज्ञ है वो थोड़ा सा घबरा गया, कह रहा यार इतना शांत है, इतनी इंसल्ट की है, इतना सब कुछ किया है, इतनी बेइज्जती की है, इतना कठोर बोला हूँ, फिर भी देखो प्यार से करुणा से लवाला भरा हुआ है, कोई खास बात है? ये इतना साधारण मुनि नहीं है, इतना साधारण क्या बोलते हैं व्यक्ति नहीं है ये, इसकी बात मैं कुछ दम लग रहा है। यक्ष बहुत बुद्धिमान होते थे। अब यहाँ जो आती है बात, वो ये आती है कि यक्ष प्रसन्न जो होते हैं दुनिया के अंदर जो फेमस हैं, वो ये वाला एपिसोड है जिसमें कि यक्ष प्रसन्नों के जवाब भगवान बुद्ध ने दिए और उन जवाबों को दुनिया में जाना जाता है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर ज़्यादा है, अगर तुम ऐसा है तो ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ के नदी के पार फेंक दूंगा। कहाँ? गंगा नदी के पार फेंक दूंगा, तुम्हें बदहवास कर दूंगा और तुम्हारी छाती को चीर दूंगा। तो बुद्ध बड़े शांति से, बड़े दृढ़ता से, बड़े विश्वास से कहा कि इस संसार में जितने मनुष्य हैं, जितने देव हैं, मार, समण या अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे चित्त को दूषित कर सके। भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति से, बड़ी कठोरता से कहा, हे यक्ष सुन, इस संसार में मनुष्य, देव, मार, समण या अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मन को लेस मात्र भी दूषित कर सके, यानी तुम्हारी बात से मुझे अगर कहीं कोई द्वेष आ जाए ऐसा कोई कोई नहीं है। और फिर जो चाहे तुम पूछ लो, जो तुम्हें पूछना है पूछो। तो यक्ष अपने प्रश्न स्टार्ट करता है, जो दुनिया में बड़े ख्याति प्राप्त करने वाले प्रश्न हैं और दुनिया ने अपने साहित्यों में बड़े तोड़ मरोड़ के इनको पेश किया हुआ है, वो यही यक्ष प्रश्न है। तो पूछता है, इस संसार में श्रेष्ठ धन क्या है? ये यक्ष प्रश्न है, कठोर प्रश्न होते हैं। बुद्ध कहते हैं, विश्वास का, श्रद्धा का, यानी विश्वास जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ धन है। अगर आपके पास विश्वास है तो आपको किसी धन की जरूरत नहीं है। क्या अभ्यास करने से सुख प्राप्त होता है? किस चीज की प्रैक्टिस करें कि सुख मिले? बुद्ध कहते हैं, धम्म का अभ्यास, प्रकृति का अभ्यास कीजिए, आपको सुख मिलेगा। प्राकृतिक नियमों का अभ्यास कीजिए, आपको सुख मिलेगा। कौन सा रस श्रेष्ठ है? रस मतलब खाने का रस, बोलने का रस, देखने का रस, चखने का रस, छूने का रस, मन में जितने रस हैं 6 प्रकार के हैं। तो कहते हैं सच्चाई का रस सबसे भी, वो 6 में लेके जा रहा है, मगर भगवान बुद्ध कहते हैं सच्चाई का रस सबसे श्रेष्ठ है, सबसे मीठा होता है। कौन सा जीवन श्रेष्ठ है? वो कहते हैं पहिया, यानी प्रज्ञावान जो जीवन है। पहिया की आप वीडियो पहले देख लें, यानी जो पहिया में जीवन है, जो प्रज्ञावान जीवन है, वो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है। अब भगवान करुणा से, मैत्री से जवाब दे रहे हैं, बड़े मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, वाणी में रस घोल के जवाब दे रहे हैं, बड़े प्यार से दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी शांत है, बड़ी प्यारी है, और आलवक यक्ष की हालत ख़राब है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का एकदम इतना सटीक और क्लियर आंसर इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं। वो भी तकसील है, बहुत ज्ञानवान है। तो वो फिर आगे पूछता है, मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को पार कर सकता है? यानी कि मनुष्य कैसे जो संसार के अंदर आना जाना, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मरण, रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ, डेथ, नेक्स्ट बर्थ, रेथ, नेक्स्ट बर्थ, रेथ, अगला जन्म, फिर मृत्यु, इसको कैसे पार करेगा? तो वो कहते हैं, संसारिक बाढ़ को विश्वास से प्राप्त कर सकता है, श्रद्धा से कर सकता है। अगर धम्म के अंदर श्रद्धा है, संघ के अंदर श्रद्धा है, तो कर सकता है। कैसे भव सागर को पार कर सकता है? अब बदल के क्वेश्चन पूछता है, सांसारिक बाढ़ पूछा यानी फिजिकल पूछा पहले, फिर पूछता है भव सागर यानी जीवन मृत्यु का कैसे चक्र छूटेगा। तो वो कहते हैं अप्रमाद से। अप्रमाद का मतलब है कि आप आलस में ना पड़ो और लगातार उद्योग करो। उद्योग क्या करना है? आपको साधना में, सील, समाधि, प्रज्ञा में, अष्टांगिक मार्ग में रत रहना है अप्रमाद के साथ। अप्रमाद का भगवान ने अपनी मृत्यु के सबसे लास्ट में भी कहा है भिक्षुओं के लिए, अप्रमाद ही बनो, कुछ ना करो, उद्योग करते रहो, मेहनत करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे दुख को समाप्त कर सकता है? अब दुख पे आ गया, दुख कैसे समाप्त होगा बता रहा है, यानी खुद दुखी है इसलिए दुख के बारे में पूछ रहा है। तो कहते हैं पराक्रम से,
साहस से और पराक्रम से और कड़ी मेहनत से दुख को दूर किया जा सकता है। फिर पूछता है कैसे परिशुद्ध हो सकता है, वो कहते हैं पहिया से, प्रज्ञा से परिशुद्ध हो सकता है। मनुष्य कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, तो पूछता है प्रज्ञा कैसे मिलेगी, तो कहते हैं धम्म में विश्वास करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से प्रज्ञा मिलती है। कैसे धन पाता है, अब वो पूछता है धन कैसे पाता है, तो बताते हैं उचित कार्य करने से सम्यक आजीवी को, यानी सम्यक आजीवियों और धैर्य से और मेहनत से अगर ये काम करेगा तो वो बहुत धन पाएगा। यश कैसे प्राप्त करता है, तो कहता है सत्य अगर रहेगा तो यश अपने आप उसके पैरों में आएगा, उसके साथ रहेगा 24 घंटे जो सत्य पर रहेगा। कैसे मित्रों को मिलाकर रखता है, वो कहता है कि दोस्तों को अपने साथ कैसे रखूं, कैसे रहते हैं दोस्त, वो कहते हैं देने वाला बन, यानी कि दानी बनेगा, देता रहेगा, बांटता रहेगा, तो दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। फिर पूछता है कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर मरकर भी शोक नहीं होता। अब अपने प्रश्न में पूछता है कि मैं अगर यहाँ से इस लोक से और मृत्यु लोक, यानी वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो शोक कैसे नहीं होगा, घबराया हुआ है। तो भगवान कहते हैं सत्य धम्म धैर्य त्याग धारण करने वाले को इस लोक में या परलोक में, परलोक का मतलब होता है कि डेथ के बाद अगर उसका सॉफ्टवेयर निकलता है तो उसमें धारण करने से शोक नहीं होता है। ऐसा कहने के बाद में यक्ष क्या कहता है, यक्ष के उद्गार निकलते हैं। उद्गार क्या क्या होता है, जो उस समय बात सुन के अपने आप मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनको उद्गार बोलते हैं या उदान बोलते हैं, उदान। तो कहता है सो अहं विचरिस समी गामा गामं पुरा पुरंग नमस्मानो संबुद्धं धमस्स च सुधमंतं, यानी कि ओह अहं विचरसि मानी, यानी कि वह मैं अब विचरिस्से मानी का मतलब है विचरूंगा, यानी कि मैं जाऊंगा, गामा गामंग गांव गांव, पूरा पुरंग मतलब पूरा जो बोलते हैं शहर को बोलते हैं, जैसे आप बोलते दौलतपुर है, मानपुर है, खानपुर है, जानपुर है, इसका मतलब उस शहर का नाम है। पुर पाली का शब्द है, अगर पीछे पाली लग जाता है तो वो शहर या गांव बन जाता है, यानी गांव गांव और नगर नगर वो घूमेगा। नमस्ते मानो संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हुए, उनको करते हुए धम्म को आगे बढ़ाने की बात को वो करेगा, और यक यहाँ सोतापन्न हो जाता है, यानी यक सोतापन्न हो गया। तो जो दूसरी गाथा है, जो जयमंगल की जो दूसरी गाथा है, उस गाथा में इस पूरी कहानी का जिक्र आता है। चार शब्दों में, चार लाइनों में पूरी कहानी बताई जाती है, जब जयमंगल गाथा बोला जाता है। जयमंगल गाथा की नंबर 2 क्या है, मारातिरेक मभियुज्जित सब्बरतिं घोरंप नालवक मखमतत यखं खन्ति सुदंत विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। इसमें पहला शब्द है मारातिरेक। मारातिरेक का मतलब है मार और अतिरेक, यानी कि मार की अधिकता, यानी मार से भी ज्यादा खतरनाक। और मभियुज्जित का मतलब है अभियुज्जित, यानी कि झगड़ा करता है, लड़ता है। अभियुज्जित, युज्जित का मतलब है युद्ध करना, एक तरह से युद्धति, यानी कि झगड़ा करता है। सब्बरतिंग मतलब सब्बरति, सब्बरति मतलब पूरी रात भर। घोरंप नालवक, यानी घोर माने भयानक और नालवक का मतलब है आलवक, यानी घोर आलवक से पूरी रात लगभग वो मार से भी ज्यादा खतरनाक जो बंदा था उससे झगड़ा चलता रह जाता है। कैसे, मख मथद यखन, ये जो मख मथद यखन है, मख माने जो होता है एक दूसरे को हराना या एक दूसरे को डाउन करना, उसकी वैल्यू को घटाना, और मथना माने होता है जो मक्खन को मथते हैं, दही को मथते हैं, और यखन का मतलब है यख के साथ में, यानी कि एक दूसरे को घोर नालवक के साथ में जो प्रश्न उत्तर होते रहे, वाद विवाद होते रहे, बातचीत होती रही, वो एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे को डाउन करने में लगे रहे, एक दूसरे को छोटा करने में लगे रहे रात भर। खंती सुदंत विधिना, खंती का मतलब है शांति, सुदंत विधिना, सुदंत, सुदंत का मतलब है सु माने अच्छा और दंत माने होता है दमन करना, यानी कि किसी की अगर जो निगेटिव चीज़ें हैं, जैसे ईर्ष्या है, ज्वेलसी है, राग है, द्वेष है, घृणा है, गाली गलौच है, ये सब जो मन के अंदर भरी हुई होती हैं, उसको अगर दमन करते हैं तो उसको दंत बोलते हैं पाली के अंदर। सुदंत विधिना, यानी कि उन्होंने शांति के साथ में, खंती के साथ में सुदंत किया, दमन किया, इस विधि के द्वारा जितवा मुनिंदो, और मुनिंद जीत गए इसको। तंग तेज सा भवतु तेज जय मंगलानी, उस तेज से तेरा जय मंगल हो,
तो ये जयमंगल गाथा का दोह है। कहानी बहुत अच्छी है, यक्ष की है, और इसके अंदर भगवान ने कैसे कैसे एक माँ से उसके बच्चे को बचाया, आलवक, बाद में जो आलवक था, फिर उसको समझने के बाद में जो यक्ष आलवक था उसने जगह जगह जाके भगवान के धर्म का प्रचार प्रसार किया, भगवान को नमस्कार किया, उनको गुरु माना। आलवक को फिर वो लेके आए कि आलवक को आप गुलाम बना लो बच्चे को, तो उसने थोड़ा शर्म महसूस हुई, उसने कहा नहीं रहने दीजिए। फिर वो आलवक को उन्होंने भगवान बुद्ध को वापस दे दिया, भगवान बुद्ध ने उसको फिर राजा आलवक को दे दिया, और राजा आलवक उसको लेके चले गए। इससे उसका नाम एक हाथ से दूसरे हाथ में आया, तो उसका नाम हत्तक आलवी पड़ा, हत्तक आलवक। और वो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसे मुझे देना, अभी इसे बड़ा होने दो। बड़े होने के बाद में हत्तक आलवक की कहानी और भी हैं, जो समय समय पर आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।